पहचान रहे लोगों को? स्पेशल तारुफ कराओ क्या मेरी? अरे इस्माइल भाई आप है, दबंग की अलग लगाए बोल के नहीं पहचाना मैं। अरे वो सब छोड़ रहे, पहले मेरे को ये बोल, पिछले के हफ्ते का हफ्ता कहीं को नहीं दिया रे मेरे को? वो नहीं भाई, वो मेरे साले के बीवी के सास की बहन की बेटी के सास के चचेरे नाना के दामाद के बेटे के सास की बेटी के ससुरे की बरसी थी, उसमें वैसे खर्चा हो गया भाई। अच्छा ये बोल तू, ये हफ्ते का हफ्ता दे रहा या नहीं दे रहा? ये हफ्ते मेरे साली के भोने के बेटे के साड़ू के खालू के छोटे दामाद। अरे क्या भाई, बहन की बेटी का चिल्ला है और उसके भाई की खतना खुशी है। अबे साले तुम लोग खाली ससुराल में डाल के घुसरो पैसे, पैदा करी सोनी अम्मा को भी नहीं देते और ये भाई को भी नहीं देते पैसे। ये पुकट के सोनिया किसी डायरेक्टर को जाके बोल, आइंदा ऐसे बैगन के बात करा ना, समझा? ये सत्तूर मेरे हाथ में रहेगा, कुंदा यही रहेगा और तेरी खतना मैं करूँगा। पैसे निकालो रे, जितने हैं उतने निकाल लो। निकाल रहे पैसे, निकाल ఆకాశం అమ్మాయి అయితే నీలా ఉంటుందే, నీలా ఉంటుందే, ఆనందం అల్లరి చేస్తే నాలా ఉంటుందే, నాలా ఉంటుందే, వానల్లే నువ్వు జారగా, నీలల్లే నేను మారగా, పగల్లే నువ్వు నేను చేరగా, పది వరదై పొంగి సాగరం అవుతుందే. क्या है रे बुड्ढे, हफ्ता देना आया ऊपर अम्बा बाबा के पास जाना है तेरे को? हाँ कोने चंदा वंदा कुछ भी नहीं मिलता, चलो भिखारिया कहीं के। अरे शहबाज भाई उतर के जरा पहने तो लगा। अब भी लगा रहा हूँ भाई। रे भाई को नहीं पहचाना? फेन रे ऐनक फेन पहचान, जरा भाई को नहीं पहचानता? हाँ गुल्लू भाई आप है, आपको मालूम है ना बगैर ऐनक के नहीं दिखता। तेरे को ऐनक के बगैर वाकई नहीं दिखता या तू चांस ले रहा आपसे? नहीं भाई वही बोल रहा हूँ, कहीं तू चांस पे डांस तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं नहीं। खैर छोड़, अब तू ये बोल पिछले हफ्ते का हफ्ता कहीं को नहीं दिया तू मेरे को? अरे भाई मैं हफ्ता तो कब की दे दिया ना भाई? दे रहा मगर टाइम पे नहीं दे रहा रही भाई। एक बार छोड़ दो भाई, अगली बार कैसा भी टाइम पे दे दूंगा। टाइम पे दे तो बोले तुम्हें कहीं को मार रहे हो भाई? आज तेरे को मारना बोल के घर से सोच के और फिक्स करके निकला था, इसके वास्ते मारा, समझ गया ना? अब बोल आइंदा टाइम पे दे देता ना। अब से टाइम पे बराबर थे तो भाई जान। अगर ऐसी चला ना बैगन बनता हूँ मैं हीरो, क्या नसीब है रे भाई मेरा। ए खाबो के हीरो, अभी खाबा देखना छोड़, घूर रहा क्या? ये सब क्या है? आशिकी 2 सौ बार देखी जाऊं मैं, इसकी तो ऐसी की तैसी, जाने कहां कहां से आ जाते ये लोग, काम के ना धाम के पूरी तरकारी गिरा दिया। और कहीं का अब जल्दी से पतली गली पकड़ के निकल यहां से, चल हट। अब्बा हां साले तेरी आपा कितनी खूबसूरत है रे, और इसके बाला देख, इसको ख्वाबों में देखा था, आज सुबह ही ख्वाब देखा, यकीन नहीं हो रहा रे ने आ गई बोल के, फॉलो करेंगे चल। कौन हो तुम? ए, मेरा छोड़, ये मेरा भाई है। हाँ। तुझे पसंद करता है, दिखा भी करना चाहता है, चुपचाप आके गाड़ी में बैठ जाओ,
ए, मेरे को शोर शराबा पसंद नहीं है, चलाओ। अच्छा तेरा हो गया, तेरा ये भाई मेरे को पसंद नहीं है, चलो निकलो। ए, तेरा पसंद ना पसंद किसको चाहिए, रे चलो भाभी की इज्जत से गाड़ी में बिठाओ। भाभी को आने लगाने का कौन है रे तू? बॉयफ्रेंड है अपन इसका। दोनों का गाड़ी में बिठा रे, भाभी को इज्जत से इसको बेइज्जती से। हाथ नहीं लगाने का, तुम लोगों को मालूम मैं कौन हूँ? गुल्लू और इस्माइल का भट्टा हूँ मैं। नजदीक नहीं आना कोई भी, समझा दे रहा। कौन है रे भाई गुल्लू और इस्माइल? दो कार्टूना रे, बातों से नहीं रे लातों से मार के लेके आ रे। नजदीक नहीं आने का, ये 2.5 किलो का हाथ है, जब आदमी पे पड़ता है ना आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। नहीं लगता रे जवान हूँ, नहीं लगता ऐसा? नहीं क्या लगता, नहीं लगता आ? नहीं लगता का तेरे मार मार के चिंदी कर दे रे। अरे तू क्या रे कुत्ते के धक्का दे रहा? और क्या कब राशन दुकान में लाइन कैसे लगा के दे रहे हो अरे सब? और मैं तो सच्चा बॉयफ्रेंड बन के दिखाया, अब तुम भी अपना फोन नंबर देके सच्ची गर्लफ्रेंड बन के दिखाओ। फोन वोन मैं यूज नहीं करती। अरे फिर मिलना बोले तो? सेम टाइम सेम प्लेस। ओ मैडम अपना नाम तो बोल के जाओ। हेलो अपना नाम तो बता के जा सकती ना? नाम वाम बाद में, पहले ये बोलो खाली पतंगा उड़ाते या काम वाम भी कुछ कर लेते? हेलो पतंग उड़ाने का टाइम नहीं है अपने पास, हीरो बनने वाले हैं अपन। अच्छा अब ये सलीम फेंको के फेंकानों को फेंको मेरे पास, अब ये बोलो पैसे वैसे कहाँ से आते तुम्हारे को? अरे पैसों की फिक्र किसको है, ये दो एटीएम है मेरे पास, एक का नाम है गुल्लू और एक का नाम है इस्माइल, जब होना तब ले सकते अपन। वो सब छोड़ो चलो पिक्चर पे जाएंगे। चल हट। तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात के मद्देनजर ये अदालत मुलजिम गुल्लू दादा उर्फ मियां भाई को लोगों को डराने धमकाने और रकम की जबरन वसूली के जुर्म में आईपीसी सेक्शन 506 के तहत नॉन अवेलेबल रिमाइंड में देती है। मामूली गब्बर सिंह को यह जेल की सलाखें नहीं रोक सकी तो मेरे को क्या रोकती? और जिस दिन मैं बाहर निकला ये जमीन हिलने लगी।